चाचा जी अक्सर ये सुना गया है जहाना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि, जहाना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। कई बार जो आपका पोर्टल है उसके माध्यम से कई बार आपकी कविताओं को सुनने का बड़ा मौका मिला, बड़ी अच्छी भी लगती हैं, और गांव के प्रति अपने समाज के प्रति जो आपकी चिंता है वो बिल्कुल जायज है। आपको नहीं लगता कि जो आज का परिप्रेक्ष्य है, जो आज का माहौल है, वो हम गांव से बहुत दूर जा चुके हैं? हमारे बच्चे गांव से बाहर हैं, हम खुद गांव से बाहर हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं, रोजगार है, बहुत सारी चीजें। इन शब्दों को कई बार आपने अपनी कविताओं के रूप में जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो मैं कुछ शब्द जो आपकी कविता के कुछ अंश हैं वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा। और हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथ रिटायर्ड तहसीलदार साहब हैं, राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी जी, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, रामदयाल कुड़ियाल जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, भाई धर्मवंत वेद प्रकाश जी हैं, और भी कई सारे लोग, हमारे चाचा जी हैं, बड़े चाचा जी, बड़े भाई राम रतूड़ जी, अभी राम रावण का पार्ट बहुत बड़े गांव में बड़ा, हमारे सोनलाल जी हमारे देखो जाखड़दार में मिष्ठान भंडार है, सोनलाल रतूड़ जी यहां पे इनके जाखड़दार में मिष्ठान सौंप है, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में बड़ा इनका बड़ा वर्चस्व है, हर कार्य में इनकी सहभागिता देखी जा सकती है। इन सब लोगों के बीच में जो आपकी कविताएं हैं वो मैं चाह रहा हूँ आप सबके सम्मुख अपनी कविताओं के, ये रमेश रतूड़ी है भाई साहब, थोड़ा समय आपसे भी, ये भी हमारे बड़े समाज सेवी हैं और इनकी भी सहभागिता गांव में नकारी नहीं जा सकती। इन सबके सामने मैं चाह रहा हूँ जो आपकी अपनी लाइनें हैं वो आप सबको सुना। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि सुन रहा है, नहीं तो मैं पकड़ पकड़ सुना दूसरी, तो लीजिए सुनिए आप कविता कर लीजिए। सभी भाई लोगों से अनुरोध है कि ध्यान से सुनेंगे और अच्छा लगेगा तो ताली गाते रहना। तो मेरा जो मिशन है पुणे गाँव की ओर, मैं उसमें वास्तव में वोटिंग देता हूँ। गाँव की मैं माँ को पहचानो, गाँव गाँव को चलो बचाने, वाह वाह, गाँव की मैं माँ को पहचानो, गाँव गाँव को चलो बचाने, मत ढूंढो अब और बहाने, पुणे गाँव को लगो बसाने, मत ढूंढो अब और बहाने, पुणे गाँव को लगो बसाने, अरे याद करो वो दिन वो पुराने, अन्न धन के भरे खजाने, गांव है तो परिवार है वरना सब बेकार है, माता पिता को मत भूलो तुम, गांव से नाता मत तोड़ो तुम, माता पिता को मत भूलो तुम, गांव से नाता मत तोड़ो तुम, अरे धरती माता करे पुकार, मत कर मेरा दुष्प्रचार, धरती माता करे पुकार, मत कर मेरा दुष्प्रचार, धरती बंजर मत छोड़ो तुम, बीते दिन भी याद करो तुम। भाइयों ये मिट्टी ऐसी है इसमें सब कुछ मिल जाता है और इसी में ही सब कुछ मिल जाता है, तो चंद लाइनें आगे बढ़ाते हुए, बहुत सुंदर, बहुत मिट्टी में ही सब मिल जाता, मिट्टी में ही सब मिल जाता, धरती में है हीरे मोती, अन्न धन और जीवन देती, धरती माँ की सुनो पुकार, मत कर मेरा दुष्प्रचार, धरती माता करे पुकार, बंद करो मेरा व्यापार, व्यापार का मतलब आज का हर कोई कह रहा प्लॉटिंग करो, प्लॉटिंग करो, प्लॉटिंग से पैसा मिलेगा, खाना नहीं मिलने वाला, धरती माता करे पुकार, मत कर मेरा दुष्प्रचार, सोचो और करो विचार, धरती माँ से कर लो प्यार, हाल अगर जो यही रहेगा, धरती पर कोई न बचेगा, अन्न धन जब ना उपजेगा, बोल कहाँ पैसा खर्चेगा, जब जब रोई धरती माता, तब तब सूखा है पड़ जाता, भाव जिसे ये समझ में आता, पुणे गांव को फिर है आता, मत कर पैसा पैसा भैया, काम न आए सिर्फ रुपया, अरे गांव की महिमा को पहचानो, पुणे गांव को लगो बचाने, और चार नीचे भाइयों एक रहबार छा हर उत्तराखंड के खातर, आप ये ना सोचा कि मैं कोई नेता बन जानू या आपके कोई अपड़ू प्रचार कर जानू, मैं इस मामले में बहुत दुखी हूँ, माता जी
थोड़ा आपके जैसे हो जाए तो अच्छा ही है। ये देखो मैं आपको अपनी माँ से बुलाता हूँ, ये मेरी छोटी माँ है और बड़ी माँ पता नहीं समय कहाँ, मुझे नहीं पता। मेरी दो माँ है, इस पर मैं दो कहानी कभी आपको सुनाऊंगा। तो माता जी हमने कविता सुनाई आपको, ऐसा पता नहीं है भगवान जाने। तो नमस्कार, आप पर कोई कैसे लगी आप कविता बताइए। बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लोग हमारे कुछ लोग यहाँ बैठे दिखाई आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगी। और ये थोड़ा नजर हमारी माँ क्या बोल लगी, अरे भाई जब हम दिल में सब कुछ कर ली तब हम घर लौटे कि जथा यू शवकान मैंने ये कातड़ हम तथा जेठा ने शवकान ठीक है, बहुत धन्यवाद। हम फल मिले हमारे ताऊ जी के हैं, सब कुछ दे दिए हमारे ताऊ जी, श्री पिसमी जी, हमारे ताऊ जी का नाम था, सब कुछ के पीछे हमारा भाई। कहानी लंबी कभी सुनाएंगे तो सभा को स्थगित करते हैं और फिर इसी तरह मिलते जुलते रहेंगे।